क्रिश्चनगंज थाना क्षेत्र स्थित घर में गैस रिसाव होने से हुआ धमाका। अजमेर के क्रिश्चनगंज थाना क्षेत्र में आज सुबह अचानक गैस रिसाव होने के कारण घर में धमाका हो गया। धमाका होने के कारण घर के सभी खिड़की दरवाजे टूट गए, वहीं घर में सो रही एक युवती भी झुलस गई। युवती को अजमेर के जेलन अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार नए मकान में पूरी रात गैस का रिसाव होने के कारण घर में धमाका हो गया। धमाके की गूंज से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। क्रिश्चनगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले सुशील कंदोई के घर में यह हादसा हुआ है। मकान मालिक ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह अचानक उनके घर में एक धमाका हुआ, जिससे उनकी एक बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। सुशील ने जानकारी देते हुए बताया कि गैस के अचानक रिसाव होने के कारण यह धमाका हुआ है। जानकारी मिलते ही मौके पर कृष्णगंज थाना पुलिस पहुंची और मामले की पड़ताल करने लगी। साथ ही घायल को जेएलएन अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। क्या घटना हुई थी और कहां पर? 4:45 बजे करीब हम सब घर पर सो रहे थे। बच्ची उठी थी, गरिमा कंदोई मेरी बच्ची है, वो उठी थी पानी पीने के लिए। उसने एकदम से खटका दबाया और गैस रसोई खोली थी कि एकदम से गैस की आग लगी और वो जल गई और एकदम से अपने आप ही गैस बंद हो गई। एक सेकंड में गैस जली, एक सेकंड में गैस का भपका लगा, पूरे मकान के अंदर जैसे कोई भूकंप आया उस टाइप से मकान खिड़की दरवाजे सब तहस नहस हो गए। और क्या हुआ? हादसे के अंदर गरिमा हमारी बच्ची है जो जल गई है, करीब करीब 65% जली है, जेलन में बैठती है, एडमिट है जेलन के अंदर। और तो कोई घायल वगैरह नहीं? घायल बस गरिमा ही हुई है। और सुबह 4:45 बजे की बात है, पानी पीने के लिए उठी थी और ये हादसा हुआ है। सारे खिड़की दरवाजे सब टूट गए, कंप्लीट टूट गया मकान का ऊपर का पोर्शन। मामले में लेकर शिकायत भी थी पुलिस को? पुलिस के अंदर आपने किशनगंज थाने में शिकायत करी है और जांच चल रही है, देखो क्या कहता है। ठीक है, कौन सी जगह मकान है? आर के पुरम 36 नंबर सूर्य कॉलोनी, सुशील कंदोई।